भाई लोग बस 3 से 4 दिन और हमें 26 जुलाई को डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी मिलने वाली है। इस साल की मोस्ट मच अवेटेड मूवी और मार्वल सिनेमैटिक की वो मूवी जो मार्वल का कमबैक इजीली कर सकती है। जहां भाई साहब सबकी नज़र गड़ी है कि एवेंजर्स द इन्फिनिटी वॉर के बाद या फिर एवेंजर्स द एंड गेम के बाद वो कौन सा स्टोन होने वाला है जो इस पूरी जो शांत नगरी को एक कोलाहल में बदल देगा। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं भाई साहब, रिव्यू करेंगे। फाइनल ट्रेलर आ चुका है डेडपूल एंड वुल्वरीन का, जो बहुत ऑसम है, बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत कुछ छोटी सी छोटी डिटेल देके गया है कि भाई बहुत कुछ मिलने वाला है इसमें। दुनिया बचाने की बातें चल रही हैं। डेडपूल जो अपना बकचोद आदमी है भाई साहब, इसके सर में पूरी जिम्मेदारी आ चुकी है और इसे जिम्मेदारी का जी जे भी नहीं पता है ढंग से, क्योंकि ये इसने अपनी लाइफ हमेशा बकैती में निकाली है, छोटी मोटी बस फाइट में निकाली है। लेकिन स्टार्टिंग के जो ट्रेलर्स हमें देखने को मिले थे, टीजर देखने को मिले थे, वहाँ पर टीवीए का कनेक्शन था और टीवीए का कनेक्शन जब भी होता है भाई साहब, दुनिया की माँ बहन करने वाला ही हिसाब किताब देखने को मिलता है। पैरेलल यूनिवर्स की कहानी देखने को मिलेगी, दूसरी यूनिवर्स से यहाँ पर आएंगे, तो वुल्वरीन का क्या हिसाब किताब होगा, इसके बाद वुल्वरीन आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, भाई साहब बढ़ना चाहिए क्योंकि मार्वल के पास अब और कुछ है नहीं, क्योंकि मार्वल की पहले ही धज्जियाँ काफ़ी उड़ चुकी है। तो भाई साहब वुल्वरीन को बनाए रखना और डेडपूल के साथ ये कॉम्बो तो पहले ही सबको एक्साइटेड कर रहा है, और जो ये इन दोनों की जोड़ी देखने को मिल रही है, बवा जबरदस्त केमिस्ट्री तो दमदार देखने को मिल रही है। देन उसके बाद भाई लेडी डेडपूल भी देखने को मिला है। अब लेडी डेडपूल कौन हो सकता है वो आगे देखेंगे। देन उसके बाद भाई साहब स्पाइडर मैन का कनेक्शन इसमें होगा नहीं होगा, क्योंकि डेडपूल अपना बकैत इंसान भाई लास्ट में करते तो नजर आया है, हो सकता है कि स्पाइडर मैन का भी कनेक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाए। पहले यूनिवर्स की बात चल रही तो हो सकता है इजली की आ सकता है। बाकी भाई साहब एक्समैन के बाकी कैरेक्टर्स जो विलेन के रूप में रोल प्ले किया करते थे, उनका भी इंटरफेरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिन्हें सिर्फ कौन संभाल रहा है, एक्समैन ही संभाल रहा है। भागी फिलहाल एक्समैन सीरीज काफ़ी समय से देखी नहीं है, तो बहुत से कैरेक्टर मैं भूल भी चुका हूँ। इस पर एक अलग से डिटेल वीडियो लेकर आएंगे कि भाई साहब इसमें और कौन से आइकॉनिक कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं। भाई साहब लेडी मैग्नेटो जो वुल्वरीन की काफ़ी धज्जियाँ उड़ाते नज़र आ रही है, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है, इसके बारे में पता हो तो आप किसी को नीचे कमेंट से जरूर बता के जाना। बाकी भाई साहब वेट है, 26 जुलाई के लिए वेट है बाबा, ऐसी मूवी के लिए वेट है। बहुत से इमोशन देखने को मिलने वाले हैं, वो बिल्कुल एंड गेम वाला हिसाब देखने को मिलने वाला है, क्योंकि लास्ट जो अभी ट्रेलर फाइनल ट्रेलर आया है भाई, वो फुल इमोशन प्रॉमिस करके जा रहा है। डेडपूल के साथ यार अभी तक जो हमें बकैतियाँ देखने को मिलती थी, और दूसरी तरफ वुल्वरीन इतना टूट चुका है, इतने ऐसे मंजर देख चुका है भाई साहब, और उसने बहुतों को खोया है, और डेकर्ड्स ऑफ डेकर्ड्स काफ़ी पुराना है, कितनी लंबी लाइफ जीते हुए आया है, कितने अपने क्लोज को वो अपने करीब से खोते हुए देखा है, तो भाई वो बहुत टूट चुका है। उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया बचे या ना बचे, लेकिन डेडपूल के भाई साहब सर पे ये जिम्मेदारी है, और डेडपूल फुल कोलैब करना चाहता है। डेडपूल खूब उसे कन्विंस करना चाहता है कि बाबा तुम आओ और हम मिलके इस दुनिया को बचाते हैं, क्योंकि तुम्हें एक्सपीरियंस है और मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। फिलहाल भाई साहब स्पाइडरमैन की बात मैं कहीं सुन रहा था, तो हू नोज कि स्पाइडरमैन का कनेक्शन भी यहाँ देखने को मिल जाए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर, यहाँ तक पहुँच गए तो उसका वीडियो पसंद आई या पसंद तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने भी फाइनल ट्रेलर देख लिया है डेडपूल एंड वुल्वरीन का, तो आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। जय